डेफिनेटली हूँ, जर्नी बहुत खूबसूरत रही, लेकिन उसने अपने बूम पर रख ठीक दिया था है, ये फिल्म को मैं यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना 100% दिया है, और जो चलो एक जवाब मेरी तरफ से मैं देना चाहती थी वो खुद सलमान सर ने उसी वक्त दे दिया था कि जो खेलना चाह रही है उसी का सबने नाम ले लिया लाइन से, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके आगे कुछ मेरा कहना बनता है। जो सलमान सर खुद बोल रहे हैं कि हम नहीं निकालना चाह रहे हैं, लेकिन आपके घर वाले को कंटेस्टेंट्स आपको निकाल रहे हैं, और उसके बाद भी आई थिंक सलमान सर ने काफी बोला कि भाईचारा बहनचारा बंद करो, तुम लोगों ने नाम लिया, तुम लोगों ने निकाला, तो आई थिंक वो काफी था मेरे लिए। डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, लेकिन मेरे लिए शॉकिंग नहीं था। जो नाम लिया लाइन से सबने बैठ के, इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम कि वो मेरा ही नाम लेने वाले हैं, तो इट्स ओके। जिया को हमने देखा, आपके साथ अच्छी दोस्ती भी थी बट कंफ्यूजन भी था, बट जाते जाते उन्होंने आपका नाम भी लिया और वो रो भी रही हैं कि मैं जीजी को बहुत मिस करूंगी, तो ये किस तरीके की डिप्लोमेसी नहीं, ये डिप्लोमेसी नहीं थी। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगी क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले ही मैं बैठ के जिया को, मुझे ये फील आ गया था कि आज शायद मैं घर जा रही हूँ, वो एक फील मुझे आ रहा था, और मैंने ये बैठे बैठे जिया को अचानक बोला था, चुपचाप बैठे होते और अचानक मेरे मुंह से निकला था आई थिंक आई एम गुड टू गो। तो उसको वो चीज़ शायद उसके दिमाग में थी, और उसको ये पता चल रहा था शायद कि फलक अभी रेडी है जाने के लिए, या फिर जिस चीज़ के लिए वो इस घर के अंदर आई थी वो उसको मिल गई है, जिस वजह से वो कंप्लीट फील कर रही है। तो उसने उस पॉइंट ऑफ व्यू में ये बात बोली थी, एंड आई एम श्योर अगर एक दो बार उससे ये सवाल करते ना, नहीं, खेल में कौन नहीं रहा, किसने, तो वो फिर जेड का नाम ले लेती कंफ्यूज होके। बट उसका उसका जो पॉइंट था वो ये था, और ये मैं समझती हूँ क्योंकि मैंने उसको इन एंड आउट जाना है, तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि उसने ये चीज़ क्यों बोली थी। मुझे जिया से कोई मेरे दिल में उसके लिए कोई ग्रजेस नहीं है कि उसने मेरा नाम लिया, क्योंकि मुझे उसका पॉइंट पता है कि उसने मेरा नाम क्यों लिया। बाकी लोगों से मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। अभिषेक, आपको फलक दी बोलते हैं, अभिषेक के लिए आप पहले जनानी शब्द का इस्तेमाल करती है, जो कि ज्यादा नहीं, आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, बट उस वीडियो में आपने उसको गे शब्द से रिप्रेजेंट किया था, जहां पे अविनाश ने बात बोलता, नहीं, जनानी है करके, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे एक्चुअली कन्वर्सेशन याद नहीं आ रहा है, ये मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा ये कब हुआ है, और गे मैंने क्यों बोला उसको, क्या हुआ है ऐसा, या तो ये बहुत ही स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे होगा जब मैंने ये बात इनिशियल बोली। ही था। हाँ, तो तब हम लोगों को एक दूसरे को समझने के लिए रेडी नहीं थे, हम तो एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे वहां पे अंदर, जानना ही नहीं चाह रहे थे एक दूसरे को, मौका ही नहीं देना चाह रहे थे। तो ये अगर तब हुआ है तो सॉरी, बट एक दूसरे के बारे में हमें नहीं पता था, और निकाला मैंने अपने मुंह से, लेकिन कोई मतलब नहीं था उस बात का। उस घर के अंदर साथ में रह के हमने बहुत चीजें, बहुत बातें की हैं, तो उस चीज को अब अगर गलत रुख दे रहे हैं तो आई एम सॉरी, गलत होगा वो बात, क्योंकि अब हमारे बीच की जो चीजें हैं बहुत डिफरेंट है। जी, अभिषेक ने आपको मौका भी दिया था कि एक बार लास्ट ट्राई कर लो, तो आपको क्या लगता है कि वो लास्ट ट्राई जो था वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, कि जब नॉमिनेशन में वो आपका नाम दे रहे थे, जी दिखावा था, या फिर ये था कि हाँ फलक को एक मैंने मौका दिया, नहीं, या नहीं, क्या मौका था? वो मैंने उससे वही कन्फ्रंट किया कि अगर मैं तुझे लास्ट ट्राई भी दे देती तो क्या तू मेरी जगह खुद को नॉमिनेट करता, कहता नहीं करता, तो मैंने कहा बात यहाँ खत्म हो गई, इसलिए मैंने अपनी एनर्जी लगाई नहीं। और मैंने उससे एक दिन पहले ही टास्क के दौरान उसको कन्विंस किया है बहुत अच्छे से, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने देखा, जब वो डॉक्टर वाला टास्क हो रहा था और उस वो आई डॉक्टर बना था, तब मैंने उसको कन्विंस किया है बकायदा, और वो कन्विंस हुआ है मेरी बातों से कि मेरा कैसे गेम स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे। तो जिस दिन उसने वो मुझसे वो सवाल कर रहा था, मेरे दिल में एक ही चीज आ रही थी कि मैं बार बार इसको कन्विंस क्यों करूं, ये टास्क जो नॉमिनेशन का दिया है, ये आपके गले में जिसकी स्लेट डाली है उसको बचाने के लिए दिया है, ये आपका काम है बचाने का, ये सामने वाले का काम नहीं है। तो मैंने, मुझे पता था वो मुझे करेगा नॉमिनेट, मैं प्रिपेयर थी, मैं कपड़े चेंज करके आ चुकी थी, और मैं उसको कोई भी बात बोलती, अगर ये भी नहीं होता मैं कुछ और उसको रीजन देती, तो वो रीजन ढूंढ के वो
वो नॉमिनेट मुझे अल्टीमेटली करता ही करता, जो उसने किया वो गेम था उसका, और वो बहुत क्लियर है अपने गेम को लेके, वैसे रिश्ते अपनी जगह और गेम अपनी जगह। पूजा भट्ट की अगर बात करें, हमने देखा पूजा भट्ट जो है जिसके साथ दोस्ती कर रही है वो कहीं ना कहीं उसी को या तो कभी नॉमिनेट कर देती हैं, कभी उसके ऊपर की मतलब जो टास्क आता है तो वो उसी के ऊपर, जैसे बेबिका को भी उन्होंने किया, आपके साथ भी अनफॉर्चुनेटली फलक, जबकि उनके पास ऑप्शंस थे। सो व्हाट यू वांट टू से, बिकॉज जाते जाते उन्होंने आपको अपनी रिंग भी दी एक जेस्चर के तौर पर, क्या कोई डबल गेम है या क्या है, आप क्या समझी क्या उनको लेकर? मैं जितना उनको समझती थी अब मुझे लग रहा है कि मैं उनको बिल्कुल नहीं समझ पाई हूँ, और मुझे हैरत हुई है ये जान के कि फलक मेरे लिए उतनी मायने नहीं रखती है बेबी का, लेकिन तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहने वाली हो और मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता जिंदगी भर निभाने वाली हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। तो अब ये मेरे लिए भी सवाल खड़े कर रहा है कि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ एक रिश्ता निभाया, मैं आपने मुझे कहा कि आप इस फ्रेंडशिप को टेस्ट कर रही हैं, मैंने तब भी चीज़ों को बहुत आराम से अच्छे से लिया है, मैंने आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे खड़ा कोई भी इंसान ही बोलेगा कि मैंने बदला अपने आप को उस नॉमिनेशन के बाद, मैं जैसी थी मैं वैसी रही। लेकिन मेरे भी दिल में ये सवाल आ गया है कि क्यों यू नो पीबी ने ऐसा पीबी ने वो चीज़, अगर वो बेबी का को बोल रही है जाके तो वो मुझे भी बोल सकती थी आके ये बात, और फिर आते आते मुझे रिंग दे दी, वो मेरे लिए और मतलब अब अलग ही दो चीज़ें हो गई हैं। जिस तरह से आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, मैं भी अपने आप से ये सवाल कर रही हूँ कि ये क्या हुआ है, मतलब मैं शायद रिश्ते बनाने में ही रह गई या तो, और यही मेरी रियलिटी है कि मैं रिश्ते बनाने में रह जाती हूँ और मुझसे गेम या प्लानिंग प्लॉटिंग या मास्क नहीं लगाए जाते अपने चेहरे पे। फलक जी, आपको नहीं लगता कि आपने कहा कि मैं रिश्ते बनाने में ही रह जाती हूँ, लेकिन जिनके साथ बनाना चाहिए था रिश्ता, अविनाश भाई, उनके साथ ना बना के आपने सबके साथ बना दिया? किसने बोला? इतनी अच्छी दोस्ती हमारी, इतना अच्छा बॉन्ड है। अच्छा, यार वैसे मत बोलो, आप वेट कर रही हैं कि क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं सबसे पहले जाऊंगा तो उसी के पास जाऊंगा। मेरी शक्ल से दिखने लगे मैं वेट कर रही हूं, थोड़ा सा खुल के बताएं। नहीं, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बॉन्ड मेरा और अविनाश का हुआ है उस घर के अंदर। एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि जब मैं और अविनाश बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, कोई घर का मेंबर आके हमसे बात करने को तैयार नहीं था, तो उस टाइम पे उसने मुझे समझा, मैंने उसको समझा, उसने मुझे संभाला, मैंने उसे संभाला। मेरे बहुत लोएस्ट पॉइंट भी आए इमोशनली, मैं मतलब शैटर्ड थी शायद एक पॉइंट पे, और उसने मुझे संभाला वहाँ पे। तो हमारा बॉन्ड वैसा बना, वैसे ग्रेजुअली हमारा बॉन्ड बना, और एक बहुत खूबसूरत रिश्ता दोस्ती का मैं बोलूंगी इस चीज़ को, कि मैं उस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहूंगी डेफिनेटली, और मैं ये बात बोल रही हूँ सबके सामने कि हाँ मैं डेफिनेटली उस एक प्यारे से रिश्ते को कंटिन्यू रखना चाहूंगी, क्योंकि यही कमाया है उस घर के अंदर। जिया और अविनाश ये दो हैं मेरे दिल के करीब, और इसका कुछ हो नहीं सकता, ये ऐसे ही। महेश केशवाला यानी कि ठगेश आते हैं शो में और वो बोलकर जाते हैं कि जिया आपको यूज कर रही है, अभिषेक को बोलकर जाते हैं, और साथ ही साथ अभिषेक यहाँ पे एक कमेंट करता है कि जो मुझे यूज कर रहा था स्वीटली वो देखो कैसे एक एक करके निकलता जा रहा है। हाँ, उन्होंने ये बात बोली थी, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। अभिषेक ऐसा है नहीं, वो उसको उस वक्त जवाब देना था, वो एक शो के अंदर बैठा हुआ है, उस घर के अंदर बैठा है, वो ये जवाब दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ अभिषेक और मेरा बॉन्ड बना है और वो मुझे समझा है, और अगर वो जेन्युइनली मुझे समझा है तो उसको पता चलेगा कि वो उतना समझदार है, उसके अंदर फर्क है लोगों को पढ़ने की और समझने की। मैंने कभी जाके उस वक्त में नॉमिनेशन के वक्त में स्पेशली कुछ ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया है अभिषेक को, नॉर्मल बैठती थी, बातचीत होती थी बस, और कुछ भी नहीं। तो अब अगर उनका कोई एक फ्रेंड आके बोल के जा रहा है तो उनको भी तो कोई जवाब देना ही है ना, उस मोमेंट में एक्साइटमेंट में दिया है उसने जवाब, तो व्हिच इज फाइन। एल्विश के आने से क्या अभिषेक इनसिक्योर हुआ है? बिकॉज ये बात अविनाश बोलते हुए नजर आए थे, जहाँ पे बीवी भी थी, आप भी सुन रही थी ये बात, तो आपका क्या एनालाइज है इस बात को लेकर? मैं समझने की कोशिश कर रही थी एल्विश और अभिषेक का रिश्ता, जो भी अभिषेक अपनी तरफ से पूरी दोस्ती निभा रहा है, लेकिन हो सकता है कि गेम के अंदर है, एक यू नो आपका फ्रेंड ही आ गया है, तो शायद 10-5% वो एक कॉम्पिटिशन वाला एक आ गया हो फील, विच इज़ आई थिंक नॉर्मल। इसमें कोई इतना इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर वो इनसिक्योर भी हो रहा है तो अच्छी चीज़ है, वो उसके ही गेम को यू नो और स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर वो एल्विश से
यू नो इनसिक्योर हुआ है, तो आई थिंक इट्स कम्प्लीटली फाइन. और अगर हुआ है तो ठीक है, करेगा अपने गेम को इम्प्रूव, क्योंकि एल्विश है कॉम्पिटिटर, एल्विश स्मार्ट स्ट्रॉन्ग है हेड से, वो इस गेम को समझ रहा है और वो उस वक्त में आया है बीच में जब बाहर से वो सब देख रहा था. तो काफी सारी चीजें हैं, फैक्ट्स हैं बहुत सारे. फलक, जब आपने लहरिया शब्द का इस्तेमाल किया था एल्विश के लिए तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बैशिंग हुई थी. व्हाट इज दैट मीनिंग लहरिया, और वो आप ऐसा क्यों कह रहे थे, जबकि ये बात है कि उनकी एक्चुअली बॉडी की कुछ कंडीशन है जो कि इंटरव्यूज में है, उनको कुछ कोरोना वोरोना के टाइम पे उनकी बॉडी पूरी पैरालाइज और ये सब हो गई थी, तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर आपको भी ट्रोल किया गया था. व्हाट यू वांट टू से, लेकिन मुझे ये सब नहीं पता, मैं इस बारे में नहीं जानती हूँ. मैं उस वक्त में उनको, वो जिस तरह से वॉक कर रहे थे, मैं उस बात पे ये चीज बोल रही थी. और आई थिंक अविनाश और इनका कुछ झगड़ा हुआ था जिसके अंदर इन दोनों ने एक दूसरे को ऐसे बोला था, लेकिन मेरा जो जोन था वो सारा का सारा मेरा एक कॉमेडी वाला जोन था. मैंने ये बात अभिषेक के साथ भी की है, हम लोग अभिषेक के साथ बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे. तो अगर ऐसा कुछ था तो यहाँ पे अभिषेक का फर्ज बनता था मुझे बताना कि उनको ये प्रॉब्लम है और दी ऐसे मत बोलो, आपको नहीं पता. लेकिन अभिषेक तो मुझसे ज्यादा हंस रहा था लेट लेट के, तो यहाँ पे तो अभिषेक भी गलत हुआ. फिर मैं, मुझे तो, मैं जानती ही नहीं जिस इंसान के बारे में, जिसके बाद जिसका नाम कभी नहीं सुना मैंने, मैं सिर्फ सामने देख के वैसे मजाक बना रही हूँ. तो अगर मैं गलत हो रही थी उस वक्त में, और अगर ये बात अभिषेक अपने दोस्त के बारे में जानता था, तो अब ये मुझे उस वक्त अभिषेक शौक था, मैं वही सॉरी बोलती. फाइनल टू क्वेश्चंस. मनीषा की अगर बात की जाए तो हमने देखा मनीषा ने डे वन से ही आपको पकड़ लिया था, आपको और जिया, कुछ भी नॉमिनेशन फलक दी और जिया, कुछ भी फलक दी और जिया. लास्ट में आपने जाते जाते बोला था कि ये तुम्हारा चेहरा गलत है, ये तो मुझे ये बताइए मनीषा का रियल साइड क्या है. मैं भी क्रैक करने की कोशिश कर रही हूँ. मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे लुक सेंटर स्टार्टिंग के डेढ़ हफ्ते वो रह रही है ना उस घर के अंदर, वो बहुत अच्छे से रह रही थी. मतलब एक चौपी लड़की, चुलबुली, सबके साथ यू नो हंसी मजाक करने वाली, गेम खेल रही थी वो तब भी, बराबर जा रहा था सब कुछ. अचानक से सिर्फ गेम, प्लॉट प्लानिंग, प्लॉटिंग, बिचिंग, बैक बिचिंग, ये उसका चालू हुआ तो वो एकदम से फ्लिप कर गई. वो या तो फिर वो अपना वो वाला जो साइट वो लेके आई थी वो फिर फेक था, क्योंकि वो ज्यादा वो लंबा चला नहीं पाई. अब जो है वो लंबा चल रहा है, तो अब शायद यही रियल है और इसी को वो कंटिन्यू रख रही है. तो अब अगर ये रियल है तो वो फिर जो धोखा दिया है सबको वो गलत किया. टॉप फाइव बता दीजिए, आखिरी सवाल. अभिषेक, एल्विश, पूजा जी एंड मैं देखना चाहूंगी अविनाश और जिया को. आप किसे सपोर्ट करेंगे, मतलब इनमें से किसी एक को नाम ले लेंगे? किसी एक को नाम लूं? दिल से चाहती हूं कि अविनाश खेले अच्छा गेम. जीते की बात है. जीते. अच्छा. दिल से चाहती हूं कि जीते. ओके, थैंक यू सो मच फलक जी. थैंक यू सो मच. लास्ट में जनता को क्या कहना चाहिए? जनता के लिए मेरा मैसेज है कि जो मेरे फैंस हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच. आपका सपोर्ट, आपका प्यार मैंने मुझे जो आप लोगों ने दिया है, और डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, जितना नसीब में होता है उतना मिलता है. और जिन्होंने ट्रोल किया, जिन्होंने हेट्रेड दिया, समझिए मैं भी इंसान हूँ भाई, और नहीं पता बैकग्राउंड किसी का. यहाँ पे उस घर के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं. आप लोग देख रहे हैं कि हमने ट्रोल, हमने किसी को कुछ ऐसा जनानी बोल दिया या लहरिया बोल दिया या रोटी ले ली, लेकिन उसके बाद वहीं उसी घर में बैठ के हम सॉर्ट आउट भी करते हैं चीज़ें, हम बातें भी करते हैं. पीठ पीछे नहीं होता है उस घर में, पॉसिबल ही नहीं है पीठ पीछे कुछ करना. तो थोड़ा सा इंसान को सोचने समझने का एक एक मौका भी दीजिए. गलतियां इंसान कर सकता है, हम भगवान नहीं हैं यहाँ पे. और जब गलती की है तो खड़े होके वहीं माफ़ी भी मांग की है, लेकिन वो गलती अगर बताई जाएगी तो पता चलेगा कि गलती हुई है. अब अगर जैसे आपने, इन्होंने बोला कि लहरिया शब्द पे ये हुआ है, और उन को अगर बॉडी का कुछ इशू है, जेन्युइनली मेडिकल इशू है, तो हाथ जोड़ के माफी, सॉरी, वो मतलब नहीं था, जानते ही नहीं थे हम जिसके बारे में, लेकिन वो उनके दोस्त का फर्ज था फिर कि वो हमें बताएं.
और बाकी हम लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए ग्रजेस कुछ है नहीं इस गेम के बाहर. अगर बाहर हम मिलने लगेंगे तो कल को जो आप लोग हमें डीएम्स में गंदी गंदी गालियां लिख के भेज रहे हैं ना, आप लोग नजर नहीं मिला पाएंगे फिर. सेकंड वेब.